हम रमा एकादश व्रत के भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम रमा एकादश व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसकी कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, कहते हैं रमा एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या आदि जैसे समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य व्रत नहीं रखते और केवल कथा को सुनते या पढ़ते हैं, उन्हें भी परम पुण्य प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, अन्य एकादशियों की तरह रमा एकादशी में भी विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और रात्रि में हरि जागरण करना अत्यंत ही शुभ फलदायी होता है। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की ये परम कल्याणकारी पावन कथा। कथा बड़ी प्राचीन है भक्तों, ये तो द्वापर की। कथा को सुनने की इच्छा जब हुई युधिष्ठिर की, श्री कृष्ण के पास में वो तब चल कर आते हैं। सब एकादशियों की कथाएं वही सुनाते हैं। कहने लगे युधिष्ठिर आके श्री कृष्ण के पास, लग गया है अब तो बड़ा पावन कृष्ण कार्तिक मास। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आए, व्रत कथा और महात्म भी उसका मुझे तो सुनाए। आप सदा ही हम पांडवों का ज्ञान बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि हे कृष्ण, आपने सदैव ही हम पांडवों का मार्गदर्शन किया है और सत्य असत्य पाप पुण्य आदि कर्मों का ज्ञान दिया है। आपके श्री मुख से मैंने पापांकुशा एकादशी व्रत कथा सुनी और माता कुंती एवं द्रौपदी सहित व्रत भी किया। अब क्योंकि कार्तिक मास आरंभ हो रहा है, अतः आप मुझे कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की व्रत कथा और महात्म सुनाएं, ताकि हम सभी भाई विधि पूर्वक व्रत करके पुण्य प्राप्त कर सकें। सुनकर बात युधिष्ठिर की, ये श्री कृष्ण ने कहा है, आने वाली एकादशी का युधिष्ठिर नाम रमा है। विधि पूर्वक जो रमा एकादश व्रत को करते और रात्रि जागरण में हरि का नाम सिमरते, देवों के सम मिलती है उनको सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य भोगे जीवन में अंत में बैकुंठ जाए। महात्म में और कथा युधिष्ठिर तुम्हें सुनाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो युधिष्ठिर सब बतलाऊंगा। सुनने के लिए कथा युधिष्ठिर
युधिष्ठिर ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें रमा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में मुचकुंद नामक एक राजा था, जिसकी इंद्र के साथ मित्रता थी, तथा यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। राजा मुचकुंद बड़े धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय प्रिय थे। राजा मुचकुंद की एक इकलौती कन्या थी, जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा मुचकुंद का एक अन्य मित्र राजा चंद्रसेन भी था, और राजा चंद्रसेन को शोभन नाम का एक पुत्र भी था। राजा मुचकुंद ने अपनी कन्या का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। शोभन से अपनी पुत्री का विवाह रचाया है। एक बार फिर शोभन जब ससुराल में आया है, कुछ दिन के लिए रुक गया है शोभन ससुराल में ही। रमा एकादशी अगले दिन ही आने वाली थी। राजा मुचकुंद तो नगर में घोषणा करवाई, नगर वासियों रमा एकादशी अब तो निकट है आई। एकादशी के दिन न किसी को भोजन करना है, और रात भर जाग के हरि का सिमरन करना है। ऐसा राजा हर एकादशी को करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, कुछ ही दिनों पहले शोभन अत्यधिक बीमार हो गया था, और जब वो अपने ससुराल में आया तो बहुत ही दुर्बल हो चुका था। किंतु राजा मुचकुंद तो हर एकादशी को अपने नगर में घोषणा करवाते थे कि एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा। घोषणा सुनकर शोभन को अत्यंत चिंता हुई, और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिये, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं बीमारी के कारण अति दुर्बल हो गया हूँ, और मुझसे भूख सहन नहीं होगी। तुम कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच जाए, अन्यथा भूख के कारण मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। अपने पति की बात सुनकर चंद्रभागा भी बड़ी चिंतित हुई, और वो अपने पति से कहने लगी। अपने पति से वो कहने लगी, आपका सत्य कथन है, लेकिन एकादशी को यहाँ कोई करता ना भोजन है। नगर वासी सब मेरे पिता की आज्ञा पालन करते, हाथी घोड़े इत्यादि भी नहीं है भोजन करते। जानती हूँ मैं आप बिना ना भोजन रह सकते हो, मेरे पिता की आज्ञा उल्लंघन भी ना कर सकते हो। एक दिन के लिए नगर से बाहर आप चले जाएं, दूसरे किसी नगर में जाकर साहब भोजन खाएं। व्रत पालन यह मेरे पिता सबसे करवाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं जनों। श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, चंद्रभागा ने अपने पति को बताया कि आप एक दिन के लिए किसी दूसरे नगर में जाकर अवश्य ही भोजन कर सकते हैं, किंतु यहाँ रहते हुए मेरे पिता की आज्ञा का पालन करना होगा। इतनी बात सुनकर शोभन अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, मैं ऐसे ही किसी अनजान नगर में नहीं जा सकता, अतः आज मैं भी व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। इतना कहकर अगले दिन एकादशी को शोभन ने भी व्रत रख लिया। पत्नी के कहने से शोभन ना कहीं बाहर गया है, एकादशी के दिन उसने भी व्रत रख लिया है। राजा रानी सहित करने लग मिलकर पूजा पाठ, भूख प्यास के मारे शोभन समय रहा है काट। दिन तो अपना शोभन ने है जैसे तैसे बिताया, सूर्य देव भी अस्त हुए, रात्रि का समय अब आया। नगर वासियों ने मिलकर के हरि महिमा है गाई, निर्बल शोभन के लिए ये पल बड़े हैं दुखदाई। प्रात काल होते हुए प्राण निकल ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जो करते हैं हरि सिमरन, ना कोई बाधा हो उत्पन्न। जो करते हैं हरि सिमरन, ना कोई बाधा हो उत्पन्न। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, क्योंकि शोभन अत्यधिक दुर्बल था, उसने दिन तो जैसे तैसे बिता दिया, किंतु रात को जब सभी हरि जागरण में लीन थे, तो प्रातः काल होते होते भूख के कारण शोभन के प्राण निकल गए। यह जानकर चंद्रभागा तो अचेत होकर गिर पड़ी, किंतु होनी को कौन टाल सकता था। राजा मुचकुंद ने अपने दामाद का पूरे राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार करवाया। अब पति की मृत्यु से दुखी चंद्रभागा अपने पिता के पास ही रहने लगी, किंतु शोभन को रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ, जो कि अत्यंत सुंदर रत्न जड़ित स्वर्ण स्तंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषणों तथा छत्र और चमर से सुशोभित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। रमा एकादशी व्रत का फल शोभन को प्राप्त हुआ, स्वर्ग समान देवपुर का वो राजा बन ही गया। चंद्रभागा किंतु इस बात को जान न पाती है, वो तो अभागिन जैसा जीवन अपना बिताती है। राजा मुचकुंद के ही नगर में एक ब्राह्मण विद्वान, वेद शास्त्रों का ज्ञाता और सोम शर्मा था ना। एक दिन तीर्थ यात्रा पर वो ब्राह्मण चला गया, विंध्याचल पर्वत पे उसको नगर दिखाई दिया।
ऐसा सुंदर नगर देवगढ़ ही बस पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा कि क्योंकि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण बड़ा ही विद्वान था और तीर्थ यात्रा करते करते उसे विंध्याचल पर्वत पर एक नगर दिखाई दिया। ऐसा सुंदर नगर देखकर सोम शर्मा के कदम स्वतः ही नगर की ओर बढ़ गए। उसने सोचा कि क्यों ना इस नगर के राजा को जाकर प्रणाम किया जाए। इसी बहाने से इस सुंदर नगरी को देखने का भी अवसर प्राप्त होगा। ये सोचकर सोम शर्मा उस नगर में आ गया। थोड़ी देर में ही सोम शर्मा राज दरबार में पहुंच गया। युधिष्ठिर वो ब्राह्मण तो बड़ा ही था विद्वान, पूर्व जन्म के शोभन को तत्काल गया पहचान। लगा पूछने ब्राह्मण आपने कौन सा पुण्य कमाया, स्वर्ग समान देवपुर अपने बोलो कैसे पाया। सुन ब्राह्मण की बात ये शोभन ने उससे कहा है, नगर मिला ये मुझको फल रमा एकादशी का है। यद्यपि श्रद्धा भाव से मैंने व्रत को नहीं किया था, प्रसन्न होकर विष्णु जी ने फिर भी मुझे दिया था। किंतु स्थिर नहीं ये नगरी शोभन बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते हरि सिमरन ना कोई बाधा हो उत्पन्न, जो करते हरि सिमरन ना कोई बाधा हो उत्पन्न। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे युधिष्ठिर, शोभन ने सोम शर्मा नामक उस ब्राह्मण को बताया कि मुझे ये दिव्य नगर रमा एकादशी के व्रत फल से प्राप्त हुआ है, किंतु हे विप्रदेव, ये स्थिर नहीं है क्योंकि मैंने श्रद्धा रहित होकर व्रत किया था। हे विप्रदेव, यदि आप राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो जाएगा। अतः आप मुझ पर इतनी कृपा करें कि मेरी पूर्व जन्म की पत्नी चंद्रभागा को जाकर यह सब वृतांत सुनाएं। लौट के ब्राह्मण फिर वो नगर में वापस आया है, चंद्रभागा को सारा ही वृतांत बताया है। चंद्रभागा फिर उस ब्राह्मण से लगी पूछने हैं, प्रत्यक्ष देखा है आपने या फिर देखे सपने हैं। सोम शर्मा ने चंद्रभागा से फिर तो ये कहा है, प्रत्यक्ष रूप में आपके पति को मैंने देखा है। लेकर आपका नाम उन्होंने ये भी मुझसे कहा, मेरी पत्नी चंद्रभागा को जाकर दो ये बता। नहीं स्थिर ये सब कुछ, इतना भी तो बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, चंद्रभागा ने जब अपने पति के बारे में सुना
तो वो ब्राह्मण से कहने लगी, हे विप्रदेव, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा हो रही है। यदि उन्होंने कहा है कि यह नगर स्थिर नहीं है, तो मैं अपने सारे पुण्य अपने पति को देकर उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारा सहयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य का काम है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को मंदराचल पर्वत के समीप ऋषि वामदेव के आश्रम में ले आया और वामदेव जी से विनती की कि हे ऋषिवर, ये राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा है जो अपने पति से मिलना चाहती है। और सोम शर्मा ने ऋषि वामदेव को सारा वृतांत बता दिया। चंद्रभागा तो ब्राह्मण के संग ऋषि आश्रम में आई। ब्राह्मण ने ऋषि वामदेव को सारी घटना बताई। वामदेव जी के चरणों में शीस झुकाया है। ऋषि ने इतना सुनकर अपना ध्यान लगाया है। वामदेव ने मंत्रोच्चारण फिर तो कुछ किया है। चंद्रभागा के मस्तक पर एक तिलक कर दिया है। दिव्य देह चंद्रभागा ने इसके प्रभाव से पाई। अपने पति से मिलने के लिए फिर वो चली आई। पति और पत्नी दोनों फिर से तो मिल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते हैं हरि सिमरन, ना कोई बाधा उत्पन्न। जो करते हैं हरि सिमरन, ना कोई बाधा उत्पन्न। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार दिव्य देह प्राप्त करके चंद्रभागा अपने पति के पास पहुंच गई। अपनी प्रिय पत्नी को पाकर शोभन बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर उसने कहा कि हे प्रिय, रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से मुझे ये सब प्राप्त तो हुआ है, किंतु ये सब स्थिर नहीं है। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, मैं 8 वर्ष की आयु से विधि पूर्वक एकादशी व्रत को करती आ रही हूँ और अपने सभी व्रत का पुण्य मैं आपको देती हूँ, जिसके कारण यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। ही व्रत से शोभन ने तो दिव्य नगर है पाया। महात्म रमा एकादशी का मैंने तुम्हें बताया। व्रत कथा रमा एकादशी की यही तो है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने भी शीश झुकाया पूरी कथा को सुनकर और फिर रमा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक किया है। श्री हरि विष्णु जी की उन सब पर हुई दया है। हंस राज रलहन ने भी ये भक्तों कथा सुनी है। डीएस पाल ने श्रद्धा पूर्वक जो वर्णन की है। फौज सुरेश विषमर शारदा लिखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते हैं हरि सिमरन, ना